कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में लाखों मौतें हुई। इस महामारी के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स के भी काफी घातक परिणाम देखने को मिले। ऐसा लगने लगा मानो 2019 के बाद से लोगों की जिंदगी बदल गई हो। कोरोना के बाद से सांस फूलना, चेस्ट पेन, हार्ट स्ट्रोक के मामले काफी बढ़े। इन सबसे बचने के लिए सरकार की पहल पर 3-3 वैक्सीन भी लगवाई गई। लेकिन आपको बता दें कि आपकी जान बचाने के लिए लगवाई गई वैक्सीन ही आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। ऐसा हम नहीं बल्कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने खुद स्वीकार किया है। कंपनी का कहना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ लोगों को घातक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में कबूल किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की भी आशंकाएं बढ़ सकती हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी महीने में यूके हाईकोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफेक्ट के आरोपों को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे हैं। बता दें कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया नाम से बेचती है। कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। इन लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने मुआवजे की मांग की है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कई बातों को कबूल किया है। आइए आपको बताते हैं कि कंपनी ने कोर्ट में क्या कुछ कहा। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट के समक्ष दायर लीगल डॉक्यूमेंट में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स थर्मोविसोटोपिनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में बताया है कि ये जान लेना भी जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थर्मोविसोटोपिनिया सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे में ये कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं सही नहीं है। कंपनी का कहना है कि कई स्वतंत्र स्टडीज में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज पर गौर करना जरूरी है। कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बेहद दुर्लभ हैं। कंपनी ने कहा है कि मरीज की सुरक्षा हमारी सर्वप्रिय प्राथमिकता है। हमारी दवाएं उचित मानकों पर खरी उतरी हैं और हमने वैक्सीन सहित सभी दवाओं का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया है। कंपनी ने कोर्ट के समक्ष आगे कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकारता से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रोग्राम से लाभ हुआ है, जो वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट्स के जोखिम को कम करता है। कंपनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की स्थिति से वे चिंतित हैं, लेकिन हम अभी भी अपने इस दावे पर कायम हैं कि इसके दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत के पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का।